कांकेर में पत्नी के मायके जाने से एक युवक इतना परेशान हो गया कि वह अपनी 16 साल की भतीजी से ही दुष्कर्म करने लगा। इसी बात डराकर लगातार उसे दुष्कर्म करता रहा। जब किशोरी गर्भवती हो गई तो घटना का पता उसकी मां को चला है। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पुलगांव निवासी हंस राज के उम्र 30 साल की पत्नी नवंबर 2021 में अपने मायके चली गई थी। अकेला होने के चलते वह अपनी 16 साल की भतीजी को घर का काम करने के लिए बुलाता था। इस दौरान मौका पाकर आरोपी ने उसे रात में पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दिया। इसके चलते लड़की डर गई। आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए उससे दिसंबर तक दुष्कर्म करता रहा। इस बाद लड़की गर्भवती हो गई। मार्च में उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर अप्रैल में तबीयत खराब हुई, उसने माँ को जानकारी दी। माँ ने पेट छू करके देखा तो उन्हें संदेह हुआ। इस पर गांव की मितानिन को बुलाकर जांच कराई गई। इसमें लड़की के गर्भवती होने का पता चला। पूछताछ में लड़की ने आरोपी चाचा की हरकत के बारे में सबको बताया। इस बाद लड़की की मां ने उसे लेकर के थाने पहुंची और मामला दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी हंसराज के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य 6 अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज किया। इस बाद उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दी गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।